दमोह उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी। बीजेपी ने पहली बार किसी चुनाव के लिए दो बड़े नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया। कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी के लिए गोपाल भार्गव को चुनाव प्रभारी बनाना मजबूरी बन गया, जबकि बीजेपी पहले ही मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव प्रभारी बना चुके थे। माना जा रहा है कि जयंत मलैया की नाराजगी के चलते बीजेपी ने उनके खास गोपाल भार्गव को दमोह उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे दी है। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। साल 2020 में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। तब राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम कार्यकर्ताओं से लवरेज पार्टी है, लवालप पार्टी है, सबको काम मिलना चाहिए। हमारे तो प्रधानमंत्री भी बहुत छोटी छोटी जगह तक जाकर चिंता करते हैं लोगों की। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, इसलिए चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। ये दो मंत्रियों की तैनाती बता रही है कि भाजपा ने चुनाव में हार मान ली है, और निश्चित तौर पर ये तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी मजाक है, क्योंकि अपमान है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी क्षमता में भाजपा को विश्वास नहीं है। जो गोपाल भार्गव को ले आए और जिस प्रकार से गोपाल भार्गव को लाए, क्योंकि गोपाल भार्गव जयंत मलैया की दोस्ती जग जाहिर है, उन दोनों के बेटों की दोस्ती जग जाहिर है, और कहीं ना कहीं जातिकरण समीकरण साधने में लगी भाजपा। कितने भी समीकरण साध ले, पूरा मंत्रिमंडल लगा ले, कांग्रेस की जीत हर हालत में होगी।